हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक पल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज देखने जा रही हूं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। क्या आपके पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस माइंड सेट के साथ ये पर्सन आपको लेकर है, इनके दिन की शुरुआत किस स्टेट ऑफ माइंड से हुई है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, इन चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। व्यूअर्स, आपको क्या करना है रीडिंग के दौरान, फोकस इनके ऊपर बनाए रखना है। इनका नाम 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लेना है। रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। यानी कि 100% ये रीडिंग आपसे नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी मिलेगी आपको उसको ही रखना होगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो, एंड रीडिंग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक भी जरूर से कीजिएगा, क्लेम भी जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जी, देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। इनकी एनर्जीज पढ़ते हैं, इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ते हैं आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज बताइए। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्कल गाइड कीजिए, बताइए। स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी को बताइए। स्पिरिट गाइड लाइटिंग एंड इन्फिनिटी गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, प्लीज स्प्रेड गाइड। कंप्लीटेशंस, अलोननेस, टर्निंग इन, आइसोलेशन, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनकी एनर्जीज पढ़ेंगे, देन आपको लेकर इनके स्टेट ऑफ माइंड को, एंड देन उसके बाद कैसा महसूस करा गया इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको लेकर। देखिए व्यूअर्स, एनर्जीज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर जैसे एक मॉर्निंग इनकी इस तरह से हुई है, काफी रूखी रूखी, काफी रूखापन इन्हें अपनी जिंदगी में जैसे मानो मौजूद होता हुआ महसूस हुआ हो। बहुत कुछ खत्म हो गया, बहुत कुछ बर्बाद हो गया, बहुत कुछ इन्हें अपने आस पास की चीजें डिस्टर्ब होती हुई महसूस हो रही है, जो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास दिला रही है कि दिल के मामले में, रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में काफी ज्यादा हारे हुए इंसान बनकर ये रह गए हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे अपनी जिंदगी इन्हें काफी ज्यादा खाली खाली सी महसूस हो रही है, और ये जो जिंदगी है इसमें ऑब्वियसली एक चीज तो नहीं है, काफी चीजें हैं, लेकिन स्पेशली और स्पेसिफिकली ये दिल के मामले में अपनी लाइफ इन्हें बहुत रूखी रूखी महसूस हो रही है। जितना ज्यादा ये अपनी लव लाइफ को लेकर पोटेंशियल हुआ करते थे या होना चाहिए था, या जितना ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर इस पर्सन के दिल में एक इन्फिनिटी वाली फीलिंग्स थी, ये वो सभी चीजों को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, चाहे रीजन कुछ भी बना हो, लेकिन वो चीजें ये नहीं हासिल कर पाए, नहीं पूरा हुआ। वो सभी चीजें इन्हें अपनी जिंदगी में चलते हुए तूफान को, बिजली को जैसे महसूस करा रहा हो। एक ऐसी एनर्जी है एज एन की व्यूअर्स, ये हमेशा अपने पार्टनर को लेकर थॉट में रहते थे कि मतलब मेरा जो पार्टनर होगा या होगी वो ऐसे होगा, वो मुझे ऐसे प्यार करेगा या ऐसे प्यार करेगी, या मैं उसे ऐसे प्यार दूंगा या दूंगी। लव लाइफ को लेकर ऐसा नहीं, हमेशा काफी ज्यादा ख्यालों में रहे हैं, काफी ज्यादा एक प्यार लुटाने वाली एक फीलिंग इनकी रही, उसको लेकर इन्होंने काफी सारे ड्रीम्स लिखे हैं, लेकिन वो सभी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, और उन्हीं चीजों को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में यहाँ पर हैं। अब बात करें आपको लेकर ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स की, देखो आपके बिना डेफिनेटली ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ही तो इस इंसान ने एक्चुअली में असल में ये जाना कि
रिश्ता क्या होता है। इन्होंने भले एक रिश्ते को लेकर अपनी एक सोच बना रखी थी, लेकिन उन सभी चीजों में जो खरे उतरे, उन सभी चीजों में जो पूरे हुए वो आप हुए, या उन सभी चीजों में जिसने इन्हें पूरा होते हुए महसूस कराया वो आप निकले। ठीक है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही आप थे जैसे इन्होंने एक सोच बना रखी थी अपने परफेक्ट पार्टनर को लेकर, और अब वही चीजें, वही रिश्ता इनके पास नहीं है, ये उसके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली इनको काफी ज्यादा अकेलापन अपनी जिंदगी में मौजूद होता हुआ फील हो रहा है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को शांत करने की कोशिश जितनी ज्यादा इनके थ्रू करी जा रही है, या अपनी जिंदगी में शांति सुकून ये सब ढूंढने की जितनी ज्यादा कोशिश इनके माध्यम से करी जा रही है ना, उतना ज्यादा आसपास के लोग इन्हें शांत होने नहीं दे रहे। इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके मन में जैसे कचरा डालते रहते हो, अपनी नेगेटिविटी, अपनी टॉक्सिसिटी इनके दिमाग में भरते रहते हो, तो इन्हें ऐसा भी फील होता रहा कि ऐसा नहीं, जितना ज्यादा आपको लेकर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, या जितना ज्यादा आप में अपने आप को पूरा होते हुए देखते हैं, उतना ही ये लोग कहीं ना कहीं रोड़े बन जाते हैं, या वो लोग इन्हें ना आपसे उतना ही पीछे ले जाते हैं, और यही रीजन बन रहा है इनका आपके लिए पत्थर बनने का, और वैसे अपने आप से छुप छुप कर अकेले में रोने का। तो वो भी इनके इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन रहे हैं आपको लेकर, कि आपको याद तो करते हैं और आपको याद करके आंख भी भर आती है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह से ये चाहते थे अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं शायद आपकी लव लाइफ में ना किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा रहा है, किसी तरह का यहाँ समझौता करना था जो नहीं करा गया है लोगों की टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी के चलते, और स्पेशली वो कॉम्प्रोमाइज, वो समझौता इन्हें करना था जो इन्होंने नहीं करा, जिसके वजह से यहाँ पर जो इनके दिल में आपके लिए पोटेंशियल लेवल पे लव भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका गला इन्हें घोटना पड़ रहा है ना कि अपने प्यार को यहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो वो चीजें इनको सुबह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है व्यूअर्स, तो वो मुझे एनर्जी इनकी, वो इनका स्टेट ऑफ माइंड दिखा आपको लेकर। अब देखते हैं आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ। राशियां जो यहाँ पर हैं व्यूअर्स वो हैं आपकी कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, ये आपका वर्गो और ये आपका कैप्रिकॉर्न। तो अभी तक मुझे ये राशियां दिखी, नंबर जो खास दिखे हैं वो है 29, 21, 38, 9, 8, 4, 41, 3, 43 एंड 6। ठीक है, एंड मंथ जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बन रहे हैं यहाँ पे वो हैं आपके अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मार्च, जून। ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए दिख रहे हैं जो आपसे अपने पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं डायरेक्टली अनडायरेक्टली वे में। देखते हैं आप टैरो से डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर इस एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी ज्यादा दर्द में है, काफी ज्यादा दर्द इन्हें महसूस होता है। जिस भी तरह से इस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई, आपके भरोसे को ब्रेक करा, वो सभी चीजें दर्द तो इन्हें भी दे रही हैं, क्योंकि उन सभी चीजों की वजह से ही तो इनकी जिंदगी में भी काफी सारी एंडिंग्स को इन्हें देखना पड़ा, या इन्हें अपनी जिंदगी एकदम अधूरी जैसी महसूस हुई। इन्होंने जब भी पूरा महसूस करा तो वो तब जब ये आपके करीब आए, आप इनके करीब आए, इस रिश्ते में जितने क्लोज आप दोनों एक दूसरे के आए उसी चीज ने तो इन्हें पूरा होते हुए महसूस कराया, लेकिन अब ऑब्वियसली ये चीजें इनकी जिंदगी में भी नहीं है और यही चीजें इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ में भी दे रही हैं। तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में एक ऐसा होता है ना कि इंसान जब तकलीफ में है लेकिन वो अपनी तकलीफ किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो छुप छुप कर रोना शुरू कर देता है, जैसे बाथरूम में जाकर नहाते वक्त रो रहा है, या फिर
जल्दी आंख खुल गई और बस पैड पे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उस तरह की मुझे फीलिंग्स इस पर्सन की मॉर्निंग की दिख रही है कि ये दर्द आपको नहीं दिया गया समझौता ना करके, या किसी और के साथ तो समझौता कर लिया, आपके साथ ना करके ये दर्द अपने भी हिस्से इन्होंने लिख लिया है अपनी जिंदगी को इस तरह से, या इस रिश्ते को इस तरह से एंड करके। तो उस तरह की फीलिंग्स में ये पर्सन मॉर्निंग में है, वो मुझे एनर्जीज इनकी दिखी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए करंट में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, थ्री नंबर अभी तक मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि मार्च मंथ थर्ड पार्टी इश्यूज में भी आप लोग हो सकते हो, उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की आपके थ्रू दी गई इन्हें अपनी ऑनेस्टी, अपना दिया हुआ वक्त, सभी इस इंसान को और ज्यादा अकेलापन फील करा रहा है, जैसे कि आप हमेशा इनके साथ रहे हो, हर दुख में हर सुख में आपने इनके साथ रहने का वादा करा और वो वादा आपने भरपूर तरह से निभाया भी, और वही वादा इस इंसान को अकेलापन फील करा रहा है, जिस अकेलेपन को ये पर्सन रेसिस्ट कर रहे हैं रोकने की, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी देख पा रही हूँ आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलिब्रेट करा, पार्टीज करी, बहुत दोस्त यार आपके बने जब आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ थे, यानी कि काफी लोग आप दोनों के रिश्ते को जान गए थे और आप जैसा खूबसूरत रिश्ता और आपके रिश्ते की मिसाल जैसे लोग दिया करते थे। तो इनके दिल में मॉर्निंग में इस तरह की चीजें डेवलप हो रही थी कि शायद हम दोनों के रिश्ते को ना किसी की नजर लगी, जो इन्होंने अल्टीमेटली एंड मोमेंट पर आकर बजाय इस रिश्ते की प्योरिटी, सच्चाई, ऑनेस्टी, इन सबको समझने के, इन सबको देखने के, कुछ और ही देखना उस वक्त पे जरूरी समझा। जैसे कहते हैं ना, नजर जब लगती है तो इंसान का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, तो वही चीजें इन्हें मॉर्निंग में काफी ज्यादा फील हो रही हैं। आपसे जुड़ी हुई हर एक छोटी याद, हर एक छोटी बात इस इंसान को ना आप को याद करके और ज्यादा अकेलेपन की तरफ लेकर जा रही है, या और ज्यादा अकेला एहसास दिला रही है कि ये कितने अकेले हैं। अकेलापन तो डेफिनेटली इस इंसान ने व्यूअर्स लिख लिया है अपनी लाइफ में, सब कुछ होते साथे इस इंसान ने ऐसा रिस्क ले लिया, ऐसी शुरुआत कर ली जो इन्हें ना स्विमिंग पूल में नहीं, इन्हें समुन्दर में लेकर जा रहा था, और उस समुन्दर का कोई और छोर नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए करंट में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर। अभी तक मुझे कैंसर और जेमिनी काफी स्ट्रॉन्ग में रीडिंग में दिखाई दे रहा है। देखो, जितना ज्यादा लव लाइफ को सोच रहे हैं उतना ज्यादा अपना मुंह भी छुपा रहे हैं, उतना ज्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं, उतना ज्यादा निराशा भी इन्हें अपने अंदर मौजूद होती हुई फील हो रही है। इनकी जो इंट्यूशन, इनकी जो अंतरात्मा है ना, कहीं ना कहीं उसे ये पर्सन ज्यादा सुन रहे हैं, और इनकी इंट्यूशंस ही इस इंसान को गिल्टी फील करा रही है अपनी लव लाइफ में, इन्हें फेलियर जैसा महसूस करा रही है, या फिर इन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी की तरफ लेकर जा रही है इनकी खुद की अंतरात्मा। और इसी रीजन की वजह से ये ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसी रीजन की वजह से छुप छुप कर रो रहे हैं, तो वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। जैसे लव लाइफ में ये लॉयल नहीं रहे, लव लाइफ में इन्होंने विश्वासघात करा, या ये लव लाइफ को लेकर फेलियर है, तो जिस लव लाइफ को लेकर कभी ये पर्सन काफी ज्यादा चीजों को कैलकुलेट करते थे, बहुत ज्यादा सपने बुनते थे, संजोते थे, उसी लव लाइफ में ये पर्सन फेल होकर रह गए हैं, तो वो चीजें इन्हें डेफिनेटली यहाँ पर तोड़ रही हैं। व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन आया है। देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन होना हो इस चीज को काफी रियलाइज कर रहे हैं कि आज तक ये उस डिस्ट्रप्शंस में, उस तूफान में स्टक हैं, जो कब का
होकर जा चुका है, यानी कि आज तक ये उससे उभरे नहीं है। आज भी उस वजह को याद करते हैं जो इनकी रातों की नींद उड़ाकर ले जाता है, इनके मन के सुकून को इनसे छीन जाता है, तो वो चीजें इनके दिल में चल रही हैं। रीजन इज कि आज तक आपसे ना मूव ऑन कर पाए, ना ये आज तक आपसे नफरत कर पाए, या ना ये पर्सन आज तक आपको अपने मन से उतार पाए, तो वो सभी चीजें इनको काफी ज्यादा व्यूअर्स डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं, या अपने आप पर ही इन्हें भरोसा नहीं करने दे रही हैं, अपने आप पर से ही जैसे इनका भरोसा उठ रहा हो, तो वैसी फीलिंग इनकी मॉर्निंग की है। यहाँ पे ट्राई कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए बताइए। Five of Wands and Six of Swords, Aries, Leo and Sagittarius, Mesh, Singh and Dhanu Rashi. काफी ज्यादा मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज इन्हें करने थे और जिनके लिए इन्हें फाइट करनी थी, ये पर्सन अब रहकर उनसे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको ना के दिल में अभी भी आपके लिए वो पोटेंशियल लेवल पे लव है, अनलिमिटेड लेवल पे ये पर्सन आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उस टॉक्सिसिटी, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए, उस तूफान से अपने आप को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज जो उस वक्त पे करने थे, उन कॉम्प्रोमाइज के लिए अब ये पर्सन यहाँ पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि अभी इन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिली है, या अभी उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन हाँ ये पर्सन डेफिनेटली लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम लड़ रहे हैं, सुबह लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए अभी आवाज जरूर से उठा रहे हैं, ये मैं जरूर से आपसे कहना चाहूंगी, जिसके लिए इन्हें बहुत पहले आवाज उठानी थी, उन सभी चीजों के लिए इनके माध्यम से अब आवाज उठाई जा रही है, ये यहाँ पर है, और वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। देखती हूँ अब मैं व्यूवर्स की सभी चीजों के बाद आपसे क्या कहने का दिल इनका उठ रहा है, आपसे ये पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं, ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज, इन सभी फीलिंग्स के बाद व्यूवर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। I feel so bad for my mistake. तो अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं इस रिश्ते में, जो भी गलत करा है इन्होंने इस रिश्ते में। You are everything, my world, my जान, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके सब कुछ हो और बन गए थे, आप इनकी दुनिया हो। I feel whole with you, कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ तो पूरा होते हुए महसूस करा, सब कुछ आप ही के साथ तो महसूस करा। I don't have the strength to face you, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पा रहे कि आपका सामना कर पाए, आपको फेस कर पाए। I wanted to spend my whole life with you, अगेन कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अगेन वही आकर इनके डेस्टिनी ने लाकर पटक दिया, जहाँ पर इन्हें करनी है वो फाइट, वो समझौते जो उस वक्त पे इन्होंने करे नहीं, जिससे ये उस वक्त पे बचे, तो ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं हालांकि डेस्टिनी क्या कह रही है आपसे, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन आखिर क्या है व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन का भविष्य। Horse, short journey, flower, target, July. Table. देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो इस रिश्ते का भविष्य तो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, और जो भी चीजें थी अब बहुत टेम्परेरी रह गई हैं, ये भी बोला जा रहा है। जो गोल आप अचीव करना चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, डेफिनेटली वो गोल आपका अचीव होगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जुलाई मंथ तक मुझे यहाँ पर इस रिश्ते के वापस से रियूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जुलाई मंथ तक आप रियूनाइट तो हो जाओगे, या आप गोल तो अचीव कर पाओगे, आपको खुशियां तो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, या फिर उसके बाद सब चीजें
ऐसे ही छोड़ देनी है, लेट गो कर देनी है, उसके बाद तो आपको असल मायने में, सही मायने में और ज्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर करने होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस रिश्ते में खुशियां मिलेंगी, ये गोल आपका अचीव होगा। थोड़ा सा वक्त और रह गया है लेकिन फॉर श्योर चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अपने आपको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर जरूर से कर लेना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी आगे और भी चलनी है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर अभी तक लाइक नहीं करा फिर भी तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिएगा व्यूअर्स लाइक, क्लेम जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।